नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वह सरेआम अपराध करने में भी नहीं डरते हैं। लगातार हो रही घटनाओं को देखकर लगता है कि MIG थाना क्षेत्र में अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो चुका है, क्योंकि बीती रात पाटनीपुरा इलाके में रहने वाली गोलू बोरासी पर क्षेत्र के नामी बदमाश अर्पित वर्मा उर्फ काला ने अपने साथियों के साथ धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है। इंदौर के पाटनीपुरा इलाके में रहने वाले गोलू बोरासी का पिछले दिनों अर्पित वर्मा उर्फ अर्पित काला से किसी बात पर विवाद हो गया था, लेकिन कुछ दिन बाद वह बात खत्म हो गए। समझौते के बाद भी बीती रात अर्पित काला ने गोलू बोरासी पर जानलेवा हमला कर दिया, जब पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिससे लेकर गोलू बोरासी गुरुवार थाने पर पहुंचा। गोलू के भाई शुभम का कहना है कि क्षेत्र लिस्टेड गुंडे अपृत वर्मा उर्फ काला और अतीत व सचिन की दो अज्ञात साथियों के साथ उसके बड़े भाई गोलू बोरासी पर जानलेवा हमला किया है और चेन लूट की भी वारदात की है। सर, कल रात का घटनाक्रम है ये। 9:30 बजे का खाना खा के टेल रहे थे, घर पे भैया बैठे थे, घर के बाहर ही कुर्सी पर अर्पित वर्मा, अतीत बोरासी और सचिन बोरासी और दो अज्ञात में, अभी दो के नाम क्लियर नहीं हो रहे क्योंकि वीडियो में आए नहीं है फुटेज में, और चेन लूट के ले गए और जानलेवा हमला करा धारदार हथियार से, इनने तलवार से। पुराना विवाद था सर उससे, बाकी वो तो खत्म ही था, अर्पित वर्मा से था सर। क्या विवाद उसका? थोड़ा सा होगा तो आपसी में चेन छपटी उपटी करते हैं, पैसे छीना छानी ये लोग, तो इसी विषय में विवाद था सर। जी तो क्या नाम है जो जिनको लगी है? गोलू बोरासी सर। गोलू बोरासी जी। कौन है आपके? बड़े भैया हैं वो। क्या करते हैं? ये सेंटिंग का मतलब कंट्रेक्शन का ठेका लेते हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट का। ये लोग क्या है, अपराधी तत्व के हैं? जी जी, अपराधी तत्व के ही सर, और ये पूरा मोहल्ला ही परेशान है इन लोगों से, तो आए दिन पाउडर बेचना, गांजा बेचना, चोरी करना। सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा? फुटेज में तो आ गया ना सर, ये मारते हुए आ गए दो जने, ये भैया कोई गोलू बोरासी जी को, वो लेडीज जो थी उनके साथ, मम्मी जी थे वो। अच्छा, हाँ, चेन गोलू बोरासी जी की भी छीनी उनने। हाँ नहीं, उन्हीं की छीनी, बस एक ही जनों की छीनी चेन। तो आपका नाम? शुभम बोरासी सर। मैं छोटा भाई हूँ उनका। हॉस्पिटल से सूचना आई थी, MIS हॉस्पिटल से सूचना आई थी कि पाटनीपुरा के रहने वाले गोलू बोरासी के साथ कुछ उपद्रवी लोगों ने मारपीट करी है और आंखों आंख में उनको चाकू लग गया है। हाँ, उसमें परिजन के बयान हुए हैं, अभी फरियादी भी थाने पर आए हैं उसमें इलाज के पश्चात, तो उसमें जिन जिन लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, तो मुकदमा कायम हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज की बात भी सामने आई है जो प्रकरण में शामिल की जाएगी। अभी अर्पित काला है इसमें, अर्पित उर्फ काला और उसके साथ ही लोग हैं जो यहाँ के निगरानी बदमाश भी हैं, गुंडे। हाँ, कई अपराध पंजीबद्ध हैं इनके, इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, पर इनकी अपराधों में अंकुश नहीं लगा है। पुनः यदि आए हैं इस प्रकार तो पुनः कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।